लेचर कुटवा का खोजता नहीं है गुरुजी। अरे हम अपन चश्मा कहाँ रख देली? जुतवा में रख देला होगा गुरुजी। अरे हाँ क्या बोलल है हमार चश्मा जूते में होई? हाँ रघुनंदन माँ गुरुजी तो दादाजी अपन चश्मा जूते में रखे लगा। अरे कन्ना राशि तोर बाबूजी के हम पहाड़ा पर होले बन और तू हमरा साथे मस्करी करो तर मार मार का हड्डी पंचर कर दे। माँ गुरुजी कौवा हो? कौवा कपारे पे गुरुजी। अरे हाँ एक एक कहल जाला कि बगल में लड़का और सागरे गांव में ढिंढोरा। हाँ तो बच्चों कल के पाठ याद बनू। अच्छा हे बैसाख नंदन खड़ा हो जा खड़ा हो जा। हाँ तू बताब कि श्री राम के कर लेकर हलन अपना बापे के? अरे ये करम ना थी हम पूछा था नहीं उनके बाप के नाम का रहन। बड़ा नीमन नाम बा गुरु जी गजाधर पाड़े। गजाधर पाड़े नाना कहीं का इतना दिनों से गला फाड़ फाड़ के यही पढ़ोले बनी ते बता रहे गले छुआ। रघुनंदन भैया ठीक है बोले ताने रघुनंदन तो बैसाख नंदन बटले बड़न तू हूँ गोबर गणेश बन जाइबा ये हमरा के मालूम ना रहन। हाँ तो बचुआ अब के बताई बोला? हम बताए गुरुजी। अरे दिनेश तू? हाँ बतावा बतावा। श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ रहल। दशरथ जी अयोध्या के राजा रहलन। उनका तीन रानी रहली सुमित्रा कौशल्या केकई। शाबाश सुन लिया ला बैसाख नंदन। हाँ गुरुजी। अरे दिनेश आज इतना देर का भइल हो? आज भैया की तबीयत ठीक ना रहल रोटी पानी हम ही के करे के पड़ल यही से देर हो गई गुरुजी। अपन भैया से कह कि बिया कर ले भौजी आके चूल्हा चक्की संभाली अब तो हनी सबके खाना बनो लेते छुट्टी मिल जाए। सच गुरुजी? हाँ हमारे भैया के बिया हो सकेला का है ना? ये तो बड़ा निमन सलाह दी है गुरुजी हम आज भैया से बात करब। अच्छा अच्छा बैठा बैठा। अरे भौजी ये अचारवा में का छिपोले बाड़ू? ओहे जोन तोरा के पसंद बा अचार कटहर के। कटहर का अचार? भौजी तो मुंह में पानी आ गेल। भगवान करे तो हर जवानी यही तरह कुमारी बनल रहे हम तोरा के देख देख के सब तड़पत रही। तड़ते उ जेकरा की लड़की नसीब ना हो थोके फूल मतिया से काहे बिया ना कह लेता। ए भौज तू चार साल खातिर जेल भेजवा दो बाकी फूल मतिया से बियाह करे खातिर जीन का काहे से कि जब वो हकला के कही कि हम तोरा से प्यार करी ले तो जाने लू हमार हलक बाहर आ जाए। अरे अरे ई का करे तारो सुबह इतना तेज बुखार है हम तोरा के आराम करे के कहले रहनी और तू रोटी बना तारा उठो ना चलो। अरे 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 हमार बुखार एकदम ठीक हो गई बा राती के फिर से बुखार हो जाए तो हम कहता नहीं उठो। अरे 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 भाई अरे अरे तनी अच्छा हाँ अरे का चार भाई अरे अरे इका कर पड़ा माफ करी हो भौजी। अच्छा भौजी अनहार हो गई बा हम तने लालटेन जावे जा हम हो कथिया बाती करे के बा भैया अब तो बिया कई लग बिया कलें के करा से लड़की से गुरुजी कहत रहलन कि भौजी आके सब कुछ संभाल ली है और हमने के चूल्हा चौका के पूजा से छुट्टी मिल जाए। छुट्टी मिल जाए हाँ। अगर भौजी के साथ है तो हाथ पटरी ना बैठल तब? अरे काहे ना बैठी हम उनका सब बात मानब कब्बो झगड़ा ना करब। वो तो ठीक बा लेकिन ए उम्र में हमरा साथे कौन ले की ब्याह करे? हे हे साले के कोशिश मत करो भैया तोरा से भी ज्यादा उम्र के फिरंगी काका रहलन उनका ब्याह कैसे हो गए
बोला बोला। अरे उनकरा ऊपर तो पंडित ज्ञान दत्त तिवारी का कृपा रहे, पंडित आई का खाली 4-5 हजार रुपया ले ले हो, यहाँ हमरा पास इतना पैसा कहाँ बा। चला वहाँ ही लगल हम छुता। भौजी ओ धंधो भौजी। आवा आवा देवर जी, खाना खा लिया ला? खा लिया ले भौजी। भौजी हमार निकल फट गई बा। देखी कहाँ फटल बा? देखी कमछा कहाँ बा? कमछा कमछा का कर बा? ये आवा सीधी यावा ना भौजी। का भइल? हमके लाज लागता। अच्छा, टोली से उतरे के बाद सबसे पहले हमरा के तोरे दर्शन भइल रहे, ओहो भी नांग धड़ंग। सब लोग कहिला कि नाई की भौजी चुरा लिए, तब जाके तू नेकर पहने शुरू कइला। ओहो हम सबसे पहले तोका पहनौली। देवर जी समझला? और कहीं फटल बा? ना और कुछ नहीं फटल। देवर जी तुहार भैया की कलकत्ता से चिट्ठी आयल बा, तनी पढ़ दा ता। ना ना स्कूल के देर हो जाए, सांझे के आके पढ़ दे और जवाब भी लिख दे, ठीक बा? भैया तू तो गुरु जी के बड़ा परेशान करे ला। गुरु जी के हम परेशान करे ली कि गुरु जी हमारा परेशान करे ला? हे रघुनंदन तनी छोड़ ले ये तो। अरे हे रघुनंदन तनी ये सतुआ ले यार। हे भाई साहब नंदन हमरे चुनौतियां में चूना भरने की ना रे। अरे हाँ हमके तो पंडित ज्ञान दत्त तिवारी के यहाँ जाके बा, हम ज्यादा नहीं। हाँ चाचा आओ लागी। पंडित चाचा। अरे सिकंदर आज यहाँ कैसे आई ला? चाचा हमरे भैया के ब्याह करा दे ना। तोरे भैया के ब्याह? अरे पागल, देर उम्र में आदमी के ना रुपया पैसा के ब्याह होला। 10-15 हजार रुपया रामावत कहाँ से ले आई है? कौनो उपाय कर पंडित चाचा, चूल्हा फूकत फूकत हमने के थक गई जा। हम तो हर गोर छोटा नहीं पंडित चाचा, हमरे भैया के ब्याह करा दो। अरे का बात है दिने चाची, तनी पंडित चाचा के समझावा ना, ये चाहे तो हमरे भैया के ब्याह हो सकेला। तू लोगन के बड़ा पुण्य हुई। सुनो तानी, राव तो ढेर जान पहचान बा, कहीं राव मौधो के ब्याह तय करवा दी ना। तू तो ऐसन बोले तारू पंडित आई कि जैसे हम ब्याह करावे का एजेंसी खोल ले बानी। अरे मैं हमार कौन फायदा बा? फिरंगिया 5 हजार रुपए के थैली दे ले रहल, और राम अवत एक जुड़ी धोतियो ना दे सकेले। जा दिनेश, ब्याह ना हो सके। ना हो सकेला? ना। का कर अरे 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 ये ना हो सकेला ना। अरे अरे हमारे घरवा वो पकड़ के अरे बोला ना। हे राम, पंडित जी अगर हमरे भैया की शादी ना करेला तो हम तोरे बड़ो बाप के कुआं में धकेल दे और तोरे घर में आग लगा दे। हाँ पंडित जी, दिनेश बड़ा जिद्दी लड़का है, जोन कहेला वो कहीं के दिखावेला। अरे कम से कम इतना ही कही देता कि बेटा हम कोशिश करब, कहू में पैसा लागेला। सबसे अच्छी सबसे न्यारी मेरी अम्मा कितनी प्यारी, खेल खिलाती दूध पिलाती नए खिलौने मुझे दिलाती। भैया हमार माई कैसन रहल? माई हमनी के माई त दया और ममता के मूरत रहे। जानेला जब हम 18 साल का हो गई तब तोहार जन्म भई। अच्छा? हाँ, यही से माई तोरा के बहुत प्यार करत रहे। एक बेरी जब तू बहुत छोट सा रहला ना, तोरा के निमोनिया हो गई रहे। वैद्य जी जवाब दे देना, बाबूओ जी आशा छोड़ देना, लेकिन माई माई 8 दिन तक बिना खैले पियले भगवान जी से तोरे प्राण के भीख मांगत रह गई। फिर का भइल भैया? 9वें दिन तोरा के होश आ गई, तोहार आँख खुल गई। बाकी माई
माई का आंख हमेशा खातिर बंद हो गई। माई के मोला के कुछ है दिन बाद बाबू जी चल बस लगे। फिर दिनेश तुहार पालन पोषण करे खातिर हमें भाई के साथे साथे माई बाबू दोनों बने के पड़ा। हम सब समझ गए ली भैया, यही खातिर तू अपन ब्याह ना कर ले ना। राम अवत बाड़न। अरे पंडित जी पा लगी। पंडित जी इतनी रात गए, कुशल मंगल था भाना। अरे कहा कुशल मंगल बा भाई, तुहार दिनेश है ना वो हमरा के धमकी देके आयल बाड़न। अरे ये कि अगर हम तुहार ब्याह ना कराएब तो हमरे बूढ़े बाप के इनारा में ढकेल दी है। का? इतने ना पंडित चाचा, हम तोरे घरों में भी आग लगा दे। ल सुन ल दिनेश, ई का नौटंकी हो रहल बा? नौटंकी वोटंकी ना भैया, इस अगरे गांव में बिया करावत घूमे ले और तुहार बिया काहे लेके करावत। अरे करा दे भाई करा दे, करो बिया करा दे बस। पंडित चाचा जिंदाबाद, पंडित चाचा जिंदाबाद, पंडित चाचा जिंदाबाद। राम अवत, तोरा भाई के मन में जौन प्रेम और श्रद्धा तोरे प्रति भा ना, ओके देख के तो हम ये कहब के भाई होता ऐसन। अरे ये तो कलयुग के लक्ष्मण है लक्ष्मण। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा पा लगे। खुश रहे गुरुजी। गुरुजी गुरुजी पाव लागी। जी जी खुश रहे खुश रहे। अरे दिनेश अब तो हर भैया के तबियत कैसन बा? भैया के तबियत तो बिल्कुल ठीक बा। अच्छा अच्छा ठीक। रहुआ खातिर कांच अमरूद लाई बानी। कांच अमरूद? एक दिन रहुए तो कहत रहली कि गुरुवान के कांच अमरूद नीक लागेला। हां कहले रहली तो बचुआ एक काम कर, हम तो ई शनिचर के लखनऊ जातनी, तो तू जो ये अमरूद लाई बड़ा ना हमरा घरे पहुंचा दिया है। हम पहुंचा दे गुरुजी। जी 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 खुश रह खुश रह। कहना है तेरी भाजी का? धन्नो भाजी। तेरा के बहुत प्यार करेली? हाँ बहुत प्यार करेली, मजाक भी करेली। अच्छा का मजाक करेली? हमें गाल पे चूटी काटेली, यहाँ चूटी काटेली। पता ना हमके नंगा देख के उनके का मजाक लेला। तू पूछ ले ना उनसे। पूछे ली तो हंसे लागेली। अच्छा देखा तोहर कपड़ा झुरा गए ला, तू पहन ला, हम तोरा कुछ खाए खातिर लिया बता। लागे तो हमरो माई ऐसे नहीं रहल हुई। दिनेश ए दिनेश का भइल, काहे रोत रहा? भैया बतावत रहलन जब हम छोट रहनी तबे हमार माई मर गई, हमके ओकर प्यार ना मिलल। जब तू हमरा के प्यार से ना होलू कंगई कहलू तो हमरा के ई लागल कि हमार माई तोरे जैसन रहल हुई, बिल्कुल तोरे जैसन। भैया हमें कक्षा में एको लड़का बा रघुनंदन, ओकरा के हमार गुरुजी पैसा नंदन कहले। ये पैसा नंदन के कहल जाला? गधा के। रामावत। अरे रामावत। अरे आई पंडित जी आई, बहुत दिन के बाद कृपा के लिए आई बैठी। अरे कृपा तो करही के पड़ी भाई, जब से तुहार सिकंदर हमके धमकी देके आयल बाड़न ना तब से हमार दिल धुक 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 करे लागेला।
सुना रामावर, तुहार तो ब्याह हम पक्का कही थे। पंडित चाचा? हाँ बेटा सच, अब तो हमरे बाबू के। नहीं पंडित चाचा नहीं। रामावर लड़की सयान और तक घर संभाल, और सुना ज्यादा ताम झाम करे के कौनो जरूरत नहीं है, जितने कम बराती हो उतना ही अच्छा। लेकिन पंडित चाचा ब्याह हुए कब? अरे बैसाख सुधी पूर्णिमा। अच्छा चल भीतर। काए रामावत लाग गई ना हरदी। धनो भाजी धनो भाजी, सबसे पहले हमके भोजी का मुँह दिखा देना। हाँ हाँ दिखा दे दिखा दे। अरे तू यहाँ का करत रहा, बाहर निकला। धनु भौजी तनी हमों को भौजी की मुँह दिखा दे। ना ना, गांव के सब मेहरारू देख ली है, तू देखत रही है बाद में। चाची। अरे हाँ हाँ धनु, दिखा दे दिखा दे। यही पंडित जी के पीछे पड़ल रहे राम अवध के बिया ही के खातिन। मुँह दे के खातिन पैसे रख ले अब्बा। हाँ हाँ चला। तू हमार भौजी हो? ना तू तो हमार माई हो, माई हो। आज हमरा के मालूम हो गई कि भाग के कहल जाला। हमको समझ ली ना। धान दौलत जगह जमीन जायदाद ये कुल तो चोरी बेमाने से भी आदमी कमा सकेला, बाकी गृह लक्ष्मी कहावे वाली मेहरारू बड़े भाग से मिले नहीं, और आज हमरा के मिल गए। हमरा के ये घर में आए अभी 8 घंटा भी नहीं भई, रुआ हमरा के इतना जल्दी परख ले हली। चंदन के परखे के खातिर ओके घिसे के जरूरत ना पड़ेला, हाथ में लेते ओकरे असलियत का पता चल जाला। तुलसी का पौधा हवा में अपन महक फैलावेला। हमरा के पूरा विश्वास हो कि तू अंगना अपने महक से भर देबू। रउआ हमरा के आशीर्वाद दही, जौन विश्वास रउरा हमरा पर कैले हैं वो हम आखिरी सांस तक निभा सकी। जब हमार प्राण निकले तो रौरे चरण में निकले। Thank you.
थोड़ी के देर भाई ले। अरे अरे ले बाबा। बदमाश। भौजी तोहरी चरनिया का ऐसन ही
बहन जी ने इतना काहे घबराइल बड़ा न जाने हमरे भौजी के का हो गई बा। अरे चलो देखिए बा चलो। अरे तुलसी बस बस अब ना होई। उठा 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 हाय भगवान हमरे भौजी का मुंह कितना छोट हो गई बा। अरे बबुआ ये बीमारी में ऐसे नहीं होला मुंह छोट हो जाला और पेट इतना हो जाला और छह महीना में इतना से इतना बढ़ जाई। तब तो हमारे भौजी उठ पेट ना पाई है ये बीमारी की कोनो दवा नहीं है। अरे घबरा मत ये बीमारी 9 महीने तक ही रहिला जैसे तुहार भतीजा आई ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाई। हमार भतीजा? अरे हाँ बुद्धू इतना ना बुझेला तुहार भौजी के लड़का होके वाला बा और तू चाचा बने वाला बाड़ा। का भौजी सर हम चाचा बने वाला बानी। अरे हम अपने जाके भैया के खुद खबरी दे आवता नी। अरे रुवा ई का करता नहीं। अरे बड़ बुजुर्ग कहले हुआ कि जब औरत के पेट में बच्चा होला तो उनका के खूब निमन निमन फोटो देखे के चाहिए एकरा से वो बच्चा के ऊपर असर पड़ेला और बच्चा भी खूब सुंदर होला। अरे धत का भाई ये बात तो किताबियों में लिखल बा। किताबिया तबिया के बात तो हम ना जाने बाकी हमारे सबसे सुंदर फोटो तो रावरे बनी। भगवान के कृपा बा किनकर जान बांच गए बाकी एक बात का हमके बड़ा अफसोस बा कि ये कब वो माई ना बन सके। भाग में लिखल रहेला ओकरा के केमे ता सकेला जोन के वाला रहलू हो गई अब रोला से का फायदा। तोहरा जैसन ते भी हमार मेहरारू बा ऐसे बढ़ के हमरा बदले का सुख हो सकेला। नहीं दुनिया में सबसे बड़ा सुख औलाद होकेला हम रोवा के हम उसे कब्बो न दे पाए हम कब्बो माई न बन सकेले। दिनेश के भैया कब्बो माई न बन सकेले। तुलसी
माए तो तू बसले पड़ो, दिनेश भी तो तोरे बेटा हो ना, हमन दोनों जने मिलके ओकरा के पढ़ाए लिखाए बड़ करब, ओकर पिया शादी होई और फिर ओकरा जन लड़का हुई है वो कुल तो हमने का बच्चा हुई है ना। हम तो भुला ही भूल गए कि दिनेश भी था हमरे बिटवा। दिनेश, ए दिनेश, वही रोगेल बाड़ा का। अरे मनोरमा, हम तोरे से ही मिले आवत रहनी। झूठ, तोरे होके वाले उनके कसम। तोरे से कितना बार कहनी कि हम ब्याह ना करब, तार ससुर जेठानी के नौकरानी ना बनब। तो तू अपने बाप से जाके कह दी कि तुहार ब्याह ऐसा जगह करे जहाँ तोरे होके वाले उनके छोड़ के सब केहू मसान घाट पहुँच गए होके। हाँ हाँ कह दी, कमार कहीं की का? गवार कह लो। हाँ हाँ, गवार के गवार न कहे तो और का कहो। फिर से कहो तो। गवार गवार गवार। अरे 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 गवार, मदद कहाँ पाड़ो? रुकता तो बताई गवार के कह जाला। गवार ए मनोरमा, अरे रुका, अरे रुकता ए मनोरमा। अरे तू अगर कप्तान की बेटी हो तो हम हु किसान के भाई हैं जेकरा दौड़ने में चैंपियनशिप मिल चुकल बा। हाँ, अरे हाँ, वो तो हम भुला गेल रहली। बोला का बोलत रहला? कई दिन से टैक्स नहीं देलो। कैसे टैक्स? ब्यूटी, ब्यूटी टैक्स। ब्यूटी टैक्स कुछ समझ में ना आई। ओफो, नजरिया लड़ा के बोला कहाँ जाए तू गोरिया, ओ गोरिया बीचे डगरिया न रोको जाए घरवा संवरिया संवरिया। हमसे नजरिया लड़ा के बोला कहाँ जाए तू गोरिया, ओ गोरिया बीचे डगरिया न रोको जाए घरवा संवरिया तोहरे मनवा के राजा तू हमरे मनवा के रानी हो। हम तोहरे मनवा के राजा तू हमरे मनवा के रानी। तोहरे जिया पे लिखी हम अपने जिया के कहानी। आवा चला कि हम मिलके बानी मनवा से मनवा के डोरिया, हो गोरिया बीचे डगरिया न रोको जाए घरवा संवरिया संवरिया। हम
नजरिया लड़ा के बोला कहाँ जेबू गोरिया ओ गोरिया। तोरे संगमा तोरे संगमा सजन हस के ले सगरी मेरिया सवरिया हमसे नजरिया लड़ा के बोला कहा जय गोरिया हो गोरिया। बीचे डगरिया न रो अपने भैया से ब्याह के बात कर लेला। हमके भैया की चिंता नहीं है, उ ना मनी है तो भौजी से कह के मनवा ले। डर तो तोरे डैडी से लगा था, उठरलन मिलिट्री के रिटायर्ड कप्तान, नौकर चाकर ठाट बात, उ तो तोहर ब्याह कौनो अमीर घरे में करे का सपना देखत हुई है। हमके मालूम बा कि डैडी के दिमाग घुमावे खातिर कौन चाबी लागेले। एक दिन जहां हम 2-4 लीटर आंसू बहनी और जहर खाए के धमकी दीनी कि डैडी ई रिश्ता खातिर फट से तैयार हो जाइए। साच त ठीक बा, हम आज अपने भैया से कह के हाँ करवा ले। मन्नो ना ई ब्याह ना हो सकेला, तू पढ़ लिख के डिग्री ले ले बाड़ा तो हम दुनिया देख ले हैं। कप्तान धनेश्वर सिंह के इकलौती बेटी धन दौलत से सींचल ऊ पौधा हो जे घर में उतम उर्झा जाए, हमने को जरूरत ना पूरी कर सकेले। रोज बरोज छोट मोट बात पर झगड़ा होल करी। देखा दिनेश, प्यार के जो नदी में आज तू बहता रहा, कालू सुखाए के जेज बैसात कर नारा हो जाए। हाँ बाबुआ, तोहर भैया ठीक है कहा तारा, दोस्ती अब ब्याह शादी अपने बराबरन वालन में ही करे के चाहिए। दिनेश देखा, झोपड़ी में दिया कर उसने सोभले, बिजली का बल्ब नहीं, मनोरमा घर का बहू ना बन सकेले। नो नेवर। तू हाथी के कपारे पे पिस्तुया बैठल कबो देख ले बाड़ू। ई बियाह में बड़ बड़ मेजर ब्रिगेडियर कप्तान सब के हुआई, और हमरे इज्जत के मुर्ग मुसल्लम के मूंग के बासी खिचड़ी बन जाई। हम ही भिखारी के अपन दामाद नहीं बना सकीले सोली। एक्सक्यूज मी डैडी, हम ही पूछल चाहता नहीं। यू शट अप। मनो की रियल मदर लेसर एकरा के समझावा, नहीं तो कब हमार दिमाग खराब भइल तो हम कोर्ट मार्शल कह देब चली। काहे जिद पकड़ ले बाड़ो मन्नू, तू तो हमारी इकलौती औलाद हो, हम जौन करब तोहर भलाई खातिर करब। बेटा हम जवन लड़का तोरे खातिर देखले बानी ओकर सीना 42 इंच लंबाई 6 फुट 1 इंच और सिर जैसन सॉलिड पातर कमर। अरे ये दिनेशवा ओकरे सामने ऐसा लगी जैसे स्टेन गन के सामने देसी पिस्तौल सॉलिड। अंडरस्टूड डैडी,
हम दिनेश के अपना मन से पति मान ली ले बानी। अब हमार ब्याह दूसरी जगह ना हो सकेगा। मनो, आज तक तुम्हारा मदर हमरा सामने कब्बो आंख ना मिलौलस और हमेशा टेंशन रहली, और तू आपन जबान हमरा सामने लेफ्ट और राइट चलावा तारू। यू एक लौती माई डाटर, हमारी अकेली औलाद, यही खातिर हम खामोश बानी। नहीं ताबले तुम्हारा बेल मुंड में 172 छेद मींस 172 सॉलिड होल हो गए रहे। पीछे मुड़, तुम्हारा मेजो वेरी फास्ट गो, वेरी फास्ट गो, वेरी फास्ट गो। मसालची को हाजिर करो। अब उकरा से कौन काम बा? ओहो, तुम्हारा लड़की हमारा मूड हाफ कर दिया। अब विस्की उसकी दो चुस्की मजा देती है किसका? अरे गोरी गोरी मिस का। बूढ़ हो गई ला, लेकिन आदत ना गई। वो यू सॉलिड बूढ़, नॉट मी डार्लिंग। मानो ऐसे मत कहो। तो हम क्या करें, तू ही बतावा। अरे आउट डाला पनिया, सक्सेना साहब से मुलाकात भइल रहे का? हाँ भैया, इंटरव्यू में उहो बैठल रहलन। मालूम ही भइल कि तीन जगह खातिन सौर जी आइल बा। अरे बाप रे, देखा दिनेश, हम तो सक्सेना साहब से भैया हाथ पांव जोड़ के बहुत तगड़ी सिफारिश लगोले। आगे तो हर किस्मत, वैसे ही नौकरिया रहल बहुत बढ़िया। अरे भाई राम अवध के यह घर हो का? हाँ भैया, हमरे नाम राम अवध हो। का बात हो? हमें ना पहचान ला? नहीं तो। कप्तान धनेश्वर सिंह साहेब बहादुर, ग्राम पोस्ट चिड़िया तार, तहसील पौना, जिला देवरिया से चिट्ठी लेके आए हैं। पैनी पढ़ी ली है, पैनी ठीक से पढ़ी ली है। हम चलत बानी, गुड मॉर्निंग। दिनेश फिर पढ़ा तो? श्री राम अवध जी, तुहार सज्जनता हमरे बंदूक के कारतूस के का भेल? अगवा पढ़ा? अरे श्री राम अवध जी, तुहार सज्जनता हमरे बंदूक के कारतूस के ठंडा कह देले बार, नहीं तो अबले तोहरे छोटे भाई दिनेश का चीता जल गईल रहत। तू हमरे इज्जत से खेले का कोशिश करता, मनोरमा के इशक में रोज रात के हमरे बंगला का चक्कर लगावत बार। हम ही वार्निंग दे तानी कि अब ऊ हमरे बंगला के आसपास भी दिखाई देहलस तो हम ओके गोली मार देब। हम कहा सुनता नहीं, तेरा भैया के इतना समझौला पर भी तो मनोरमा का पीछा कर लेके छोड़ ले, बड़ा दुख का बात है। हमके माफ कर दबाओ जी, आज से केहू के शिकायत करे का मौका ना दे। मनोरमा के हमेशा हमेशा खातिर भूल जा। Thank you.
अरे दिनेश कहाँ जाता रह? खाना तैयार बा, कहीं जाए के होखे तो खाना खा के जाई है। भाऊजी, आज हमके भूख नहीं के और राती के हम देर से लौटब। पांच दिन से लड़की बुखार में तड़प रहल बा, ना कुछ खातिया ना कुछ पियतिया, ऊपर भी तोरे कान पे जू ना रेगत बा। ओ मन्नो का रियल मदर लेसर, ऐसा नाटक हम बहुत देखले बानी। जैसे ही मन्नो सॉलिड मैरिज करके अपने हस्बैंड के हाउस गोइल और नौकर चाकर सब मैडम मैडम बहु बहु का के पुकारे लगी है, उसी दिन उसका बुखार 0 पॉइंट पर आ जाए साले। तोहरे तरह से हमो चाहता नहीं कि वो दिनेश के भूल जाए, लेकिन अब लगा था कि हमने के अपन जिद ना छोड़ा तो लड़की से हाथ धोए के पड़ी। वरी डोंट मन्नो का मदर, ये कैप्टन धने सर फ्रंट पर बड़ बड़ खून के फवारा देख ले बा। तुहरा ये आंसू बहैला का हमरा ऊपर कौनो सॉलिड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भले मन्नो सॉलिड टेस्ट कर जाए, हम वो भिखारी के अपन दामाद नहीं बना सकिलो सॉलिड। ऑर्डर मींस ऑर्डर। अरे रवा निहारे में कहे बैठल बानी, डॉक्टर के यहाँ गैल रहली? वही जन से तावत है। का कहला डॉक्टर? डॉक्टर कहला अगर दिनेश के यह हाल रहल तो उनका के टीवी हो जाए का खतरा बा। टीवी ना ना ऐसा ना हो सके, हमरा बबुल के टीवी हम ना जी सकिले, हम इस अदवन ना बर्दाश्त कर सकिले। दिनेश के भैया हम बहुत पहले ही अपन कोक झाड़ के बैठल बने, बहुत पहले ही बांज उगल बनी। दिनेश के बाल पोस के हम यही दिन का दिन बड़ा कली और आज तक गिंधा बनी, क्योंकि बियाह शादी होगी और बाल बच्चा हुई है तो हम अपन ममता की प्यास बुझाई। और अगर दिनेश जी की कुछ हो गई तो हम ना जी सकिले, हम अपन जान दे दे। दिनेश का भैया हम तो आगे हाथ जोड़ते हैं तो और गोड़े गिरते हैं, जब वह मान जाए ओकर बिया मनोरमा से हो जाए दे, मान जाए रवा आपन हट छोड़ दे। तुलसी हम तो आपन हट छोड़ दे, बाकी कप्तान साहब के समझाए। ठीक बा, अब तो हो ही हाँ सोई जो राम रची रखा। कप्तान बहादुर साहेब yes? आपसे क्यों मिला आ रहा? हमरा से? हाँ। What do you mean? So solid? No solid. Then you go solid. Quick march. 1, 2, 1, 2, 1, 2. You madam means? हम दिनेश का भौजी हैं। दिनेश लॉयल सिस्टर सॉलिड। हम दिनेश के प्राण का भीख मांगे अलबनी। राउर बेटी मनोरमा दिनेश के खून के बूंद बूंद में समा गए अलबनी। और दिनेश ओकरा पकड़ जिंदा ना रह सकेला। हमने के आपन संबंधी बना ले, आपका बड़ी कृपा होगी। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये ना हो सकेला सॉलिड। कप्तान साहब दिनेश हमने का पूछी है अनहरे का लाठी ओकरा प्राण का भीख दे 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 दे। कप्तान साहब मैडम लेसर
भीख भी आदमी देख के दिहल जाला। हम गरीब के आपन दामाद ना बना सकीला साले। भविष्य के देखले बा कप्तान साहब, का हमार दिनेश अमीर ना बन सकेला? बन सकेला, जरूर बन सकेला। तू कैसा बूझती है, ओकरा माथा पर लिखल बा? केहू के माथे पे ना लिखल रहला, बाकी उम्मीद तो देखल जाला। जब तू रंगरूट में भर्ती भइला तू कौन अमीर रहला? और आज हमरे पास सब कुछ बा। यू सका मन्नो की रियल मदर, तू हमरा इज्जत पर काहे सॉलिड डंडा चलावतारू? मिलिट्री के ऑफिसर, समाज के जानल मानल लोग इक्के साथे भोपू बजावे लगी है कि कप्तान पैसा बचौला के चक्कर में अपना बेटी के हाथ एक भिखारी के साथे बात दिहलन। ई बिया कौनो कीमत पर ना हो सकेला। तू जा सकेगी? नमस्कार। जब देखा बंदूक की गोली लेखा दगल करेला। अरे तनी बुद्धि से तो काम लो। बुद्धि? यू मीन अकिल? हाँ। ओ डार्लिंग, बुद्धिये से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है सोली। लेकिन तुम दिनेश का काहे को मक्खन मारा करती है सोली? ऊ एक हतिन के दिनेश गरीब बा, बड़ी आसानी से घर जमाई बन जाई। ओ हाँ, यू मीन ओन हाउस सनी ला। ये रुको, ये सॉलिड हॉल्ट, रुको। दिनेश का भौजी, हम फौजी लोग औरतन का बहुत इज्जत करेला। हम तू लोगन का बात मान लेता नी। नाउ दिनेश मनोरमा, शादी एक्सेप्टेड सॉलिड, शादी मंजूर। कप्तान साहब, रउआ तो अंधेरे की दुई आंख दे देनी। लेकिन बारात बहुत ठसकेदार होके के चाहे दिनेश की भौजू है। बारात में गाजा बाजा मींस डांस म्यूजिक एक्सेट्रा, नाच का पूरा पूरा बंदोबस्त होके के चाहे सोले। Yeah.
बड़ी मस्तानी अदा बड़ी दीवानी उमर बड़ी मस्तानी अदा देखे हो सामने हो वो तो हो जाए फिदा देखे के रूप करे जो पे सभे हाथ धरे देखे के ताल मोरी आह करे वाह करे तुम का मारी तो नच के तो मरिया तुम का मारी तो नच के तो मरिया नच के तो मरिया मोरी पतरी कमरिया तो माल करे ले मोरी पतरी कमरिया तो माल करे ले मोरी बाली उमरिया तो माल करे ले पर हिल जाए सगरे शहर हमरे झुमका पर हिल जाए सगरे शहर हमरा हुस्न में तो ऐसन बाटे असर दुनिया झूमे उठे ना ही रहे कौन खबर नजर में डूब के मस्त रहे आठ पहर ऐसन बाटे मोरी बादल मच्छरदानी लगावे का कब से सीख ले लो आज की यही शोभा है तोहार माई बताइले हुई है हाँ मम्मी बतौले रहली और हम किताबे में पढ़ले रहनी कि अगर पति देव का रोम रोम जगावे के होखे तो घूंघटा के अंदर से झांका रोम रोम तो जाग गई अब तो हटा दा घूंघटवा जेकरा की गरज पड़ी वो हटा ली तोहरा के गरज ना बाका हमके गरज पड़ी तो हम तोहरा के बुला ले अरे कहाँ जाता रू पंखा लिया वे आज हम पंखा के नहीं तोहरे अचरा के हवा खाए पानी लिया बतानी ना मन्नो आज पानी ना अमृत पिए का दिन है दुलहिन ए दुलहिन दुलहिन ए दुलहिन दुलहिन ए दुलहिन ए दुलहिन उठ भाई बिहान हो गए उठ रात बहुत गर्मी रहल नींद बिल्कुल ना आई माथा बहुत तेज दुखाता अच्छा कोनो बात ना उठ उठ के मुंह हाथ धो के नाश्ता करके सो जाई है उठ ओह आंख बिल्कुल नेखे खुदत हम भी सोते दो प्लीज अरे दिनेश जी आज पहली तारीख हो सक्सेना साहब से मिले के हो याद बानो भैया वही खातिर तैयार होता अच्छा अच्छा और सुना हाँ? दोपहरिया के समय मिले तो खरिहाने चल रही है अरे आज ओसौनी होत बान हाँ? अरे ओसौनी करत रही है बाद में ला पहले नाश्ता कर ला
अरे लिया लिया, आज बियाना ही बड़ी भूख लग गई रहल। ला दिने अरे बहू के नाश्ता करौलू। रउआ से ढेर फिकिर बा हमरा के ओकर, अगर सुतल बा ओकर कपार पे रात है, उठी से करा दे बुझल। हाँ, हाँ, सुतर जा, सुतर जा। ये का खतरा भैया, ये कौन सुते का समय, हम अब जाके जगह बताने। अरे रह दे दिनेश। मन्नो 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 का हो जाना, तारू कब बज गए? बजे तो हमके कौन चक्की पीसे के बा? चक्की ना पीसे के बा, लेकिन घर में और काम तबा। फौजी दो चार रोज वैसे ही तो के काम ना करे दी, लेकिन तुहार फर्ज बने ला कि उनके साथ है, साथ है। मिस्टर दिनेश, सवेरे सवेरे हमके रेडियो पे गाना सुने की आदत था, लेक्चर ना भगवान खातिर हमके सुते था। मन्नो तो हमके काहे शर्मिंदा करता, चलो उठा उठा, हम कहता नहीं उठा, रहे दे उठा, सुते दे ओकरा के काहे जगावत अरे। भौजी ये भले घर के बहू के लक्षण ना हो, भौजी तू काम कर और ये नवाब जारी जैसा आराम करे ये ना हो, चलो उठा उठा। रहे दे सुते दे ओकरा के, तू तो ओके उठावे के पीछे ही पड़ गल पड़े, सुते दे ना ओकरा के। ना भौजी एक उठे के पड़े, चलो उठा उठा। ला उठ गई, पहले तो जाके आग लगा दी लो, अब पानी की छींटा मारे तारू। हम इतना नादान नहीं खे दीदी, हम सब समझी ले। ए चाची। अरे दिनेश का भौजी, आवा आवा कहाँ जावे तारू? खरियाने गेल रही खई का पहुँचावे के। हाईला तोरा से जन 20 रुपया उधार ले गेल रही, ओफो ओहे लौटावे खातिर रुपया का भागल जात रहे। अच्छा देवरानी तो बड़ा नीमन पहले बाड़ू, रोटी पानी करे में कैसन बा? नहीं अब हम ओकरा से रोटी पानी ना बनवावत बानी, तो चले बड़ घर के बेटी बिया कभो काम काज केले नेखे, एकदम से पूछा दी हल ठीक ना होगी। बड़ घर के बेटी हा बोल के सर पे मत चढ़ा ली हो, हमार बहू के तलीला देख चुकेल बाड़ू, और दिन में दो एगो से सब फोड़त रहलिन। अरे तुलसी, अरे दिनेश का भौजी कल के बासी रोटी पड़ल बा, तनी अचार देबू का? हाँ काहे ना। बहू अब तेरे कपारे का दर्द कैसन बा? ठीक बा, यानी दीदी हमें कपारे के दर्द का ढिंढोरा तोरे अभी पीटा लिन। अरे तो कौन जुलम कह देली बिचारी, हम कोनो पराए ना है बहू, ये दोनों घर में सिर्फ एको दीवार का फर्क बा बहू। का भइल हो? अरे हम तोरे देवरानी से पूछ ली के बहू अब तोरे कपारे का दर्द कैसन बा, तो जानी लो का कहली दीदी तोरे घर में ढिंढोरा पीटा इनका, जैसे हम कोनो पड़ोसी ना है कुत्ता बिल्ली होके। नहीं छोटा नहीं, नहीं नहीं आई है ओकरा कुछ मालूम नहीं खे। अच्छा हम जाता नहीं। तो लही लिया वा हम छोटी कर दी। देखा दुलही एक गांव का रिवाज है, जब कोनो बड़ बुड़ औरत आवल करे घर में तनी घूंघट कह रही हल करा। व्हाट नॉनसेंस, घूंघट ओहो गवार औरतन के सामने। दुलहिन ये कहाँ का नक्शा बनोले बाड़ू, गोरखपुर की मुजफ्फरपुर के? तो हम का करी, आटा इतना गील सानल बा कि गोल रोटी बनते नहीं खे। ओ माय गॉड बहुत गर्मी बा, हम जाता नहीं दीदी। दुलहिन जिंदगी यही घर में गुजारे के बा, ऐसे ही भागत रहो तो गर्मी सर्दी सहे का आदत कैसे पड़ी? अच्छा जा आराम कर। भौजी। दिनेश। अरे भौजी। अरे अरे बड़े बबुआ नौकरी लग गई का? हाँ भौजी हाँ। धन भाग
देखा था दुल्हन हमार एकदम लक्ष्मी नियर बा, ओकर घर में गोड़ पड़ते ही तार नौकरी लग गए। लो भौजी मिठाई खा, मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। अरे बस बस, इकोनो सुरसा डाइन का मुंह नहीं खे, दिनेश के भौजी का मुंह है। हाँ भौजी ले, तू हूँ खा। भौजी तनी देखा था, ये तो बड़ा बढ़िया बा, सुंदर छापा बा, दुल्हन की बड़ा निकला गी। अरे दुल्हन खातिन ना है भौजी, तोहरे खातिन है। का कहत रे अब हमरा खाते। अपने भौजी खातिन तो साड़ी ब्लाउज ले आई, और हमरे खातिन एगो तौलियो ना। मन्नो हम मनौते मंगले रहली कि नौकरी पक्का होते ही भौजी के नया साड़ी पहराई। जाने लू ये कुल सामान लावे बदे एगो दोस्त से 300 रुपए कर्ज लेवे के पड़ल। हम के चरावे की कोशिश मत कर बाबू दिनेश, जौने दोस्त से तू 300 रुपया कर्ज मंगलो ओही से 100-200 और मंगले ले रहा था, लेकिन भौजी के सामने हमार कौन बिसात बा। मन्नो तू अपन बराबरी भौजी से जिन कर, भौजी के साथ साथ वो हमारी महतारी है। तू गुलाब का फूल हो तो भौजी तुलसी है जेकर पूजा होला। नाराज हो गए लुका? नहीं ता। तो एहिजा काहे चले एलू? वहां बहुत गर्मी लागत है। मन्नो कप्तान साहब वाले घर का सुख तोके यहां ना मिली। काहे ना मिली? तोहार नौकरी लग गई बा, साल 6 महीना के अंदर कुछ पैसा जमा करके हमने के शहर में एगो मकान किराए पर ले ले, अ ब्यूटीफुल हाउस, ओमे पंखा होई, फर्नीचर होई, सब कुछ होई। भगवान की कृपा रही तो अभी वाली गर्मी नए मकान में बितावल जाए। ये तू का कहता रो मनो, भैया और भौजी से अलग रहे का तो हम कल्पना भी ना कर सके नहीं। अच्छा साल 6 महीना बीते दराजा कुल ठीक हो जाए। दिनेश आज तेरे काम का पहला दिन बा बउआ, तनी दही गुड़ खा के जा। ओ, अच्छा जाता नहीं भौजी। अरे भैया अरे तू तैयार हो गई ना? भैया ऑफिस जाता नहीं। जी अतरा भगवान तोरा के दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे। ठहरा इला ई तोरा खातिर फाउंटेन पेन ले आल रहली, बहुत दिन से संभार के रखले रहली, सोचली कि जब तू नया नया काम पर जाइबा तो तोरा के भेंट में देब। आज एकरा से शुभारंभ करी हा भैया। जी अतरा जी अतरा। अरे ओ मन्नो की मदर। हाय राम, न कहला न सुनला, मोटरसाइकिल उठावला और उड़ावला, कहाँ गए रहला? अरे भाई पेंशन लेवा खातिन। आज पहली तारीख हो का? यस स्वीट हार्ट, आज तुम्हारा जिंदगी का हिस्टोरिकल डे, ऐतिहासिक दिन। आज की यही पहली तारीख थी जब सोनपुर के मेला में हमरा तुम्हारा आँख सॉलिड मिल गईला था, और तुमको प्यार का मच्छर काट खैला था। हमके काट खाइले रहल? अरे ओ समय तो हमर 16वां साल लगल रहल। 16वां साल? यू मीन 16 ईयर सॉलिड? हाँ, हम तो जनतो ना रहनी के ई निगोड़ा प्यार का होला। व्हाट निगोड़ा? यू मीन सॉलिड घोड़ा? अरे घोड़ा ना हो निगोड़ा। तो जानत ना रहलू तो काहे हमरे सीटी के आवाज सुनते दरवाजे पर आके खड़ी हो जात रहलू, काहे जीप चिढ़ावत रहलू? और तू अपन छोट भाई भगेलू भगत के गोदी में उठा के सालिक किस बार बार करता होता? वाई वाई। अच्छा छोड़, अब वो बात की याद मत दिलावा, ना जाने मन कैसन हो खिला गेला। आई नो
नो कैसन मन हो खे लागल कम ऑन बेबी कम ऑन कम ऑन बेबी कम ऑन कम ऑन बेबी कम ऑन कम ऑन यू ब्लडी स्टूपिड सॉरी यू मसालची आई अरे व्हाट मसालची तुमरा को कितना बखत बोला कि पहले आवाज फिर कमांडर यू ब्लडी रास्कल गेट आउट सॉरी सॉरी यू मॉर्निंग गुड अरे गेट आउट फास्ट मॉर्निंग गुड पेंशन दवा तो दे दा कि जेबे में रख ले से तू ना भूले ओ पेंशन वा ओ कीप इट डार्लिंग कीप इट ईला भौजी हमार पहली तनखा जाके अपने भैया के दे दा अरे उनके देवे खातिन तो ई ले आल बन ई कहा अरे साल इतना बड़ा महंगा हुई अब हमार भैया महंगी चीज इस्तेमाल करी है भौजी हमरा खातिन बड़ा तपस्या कैले बाड़न चलो ई कुल तो ठीक बा दुल्हन खातिन का लिए ले हा आ जाए समय आइला पर नहीं दिले ये तो ठीक ना कहला ना जाने वो का सोची अगर यही तरह भैया भौजी की पूजा करे के रहल तो ब्याह काय कहला भैया भौजी के पूजा से ब्याह का संबंध बा तोरा के कौने बात का दुख बा तो हम के सुख भी कौने बात का बा आधा तनखा तो जेठ जी के ठाट बाट में खर्च कर दी और जो कुछ बचल रहे वो जेठानी जी के दे दी अब जब हमके 10-5 रुपए की जरूरत पड़ी तो हम का करब तेरी से मनी ऑर्डर मंगाई तो हार हर मांग भौजी पूरा करी है तू तो हमार नेचर जानेला हम केहू के आगे हाथ ना फैलावे और जेठानी जी के सामने तो मरते दम तक ना फैलाई मन्नो अब तू सिर्फ कप्तान साहब की बेटी ना हो बल्कि घर की बहू हो तो के नया नया आदत सीखे के चाहिए कौन नया आदत सिखावे चाहता रे अपना भौजी के गुलामी अरे गुलामी तो वो देवी तोहार कर दिया आज ले तोहरा के खाना बनावे ना आए 8 बजे तक तू सूत के उठे आपन झूठ थरिया तक ना मांजे लेकिन तवना के बाद भी उनका चेहरा पर कब्बो बलना पड़ेगा भौजी के हमार तनख्वाह रखला के कौनो शौक नहीं खे बाकी हम तोहरा के ना दे सके कहीं छोट बड़ की मर्यादा टूट जाए भैया भौजी के अपमान हुई पत्नी होके के नाते तोहरा के हमरे कंधा से कंधा मिला के चले के चाहिए काली दोनों हाथ से बजेला मिस्टर दिनेश तो के कलयुग के लक्ष्मण बने के होके तो शौक से बना बाकी हम गेहूं के संगे घुमना बना सॉरी मन्नो उठा काहे हमार खटिया खड़ी करता है हटा सुते दा हाथ से अब बेहन ने पहली गाड़ी से विदा कर बस अब बहुत हो गए तो ये काहे नहीं करता रुक कि तोके नहीं है कि बहुत ज्यादा बता कल भैया से कह के बिहाने वाली गाड़ी से तो के विदा करा दे आपन चाल चला ले भाई आहा बंदा आप लोग नी के आदाब बजा लाता नी आई आई राम उजागर जी आपके बधाई देवे खानी कब से तड़पत बानी बधाई कौन है बात के बधाई भाई सुन लिया क्लब में कल से आप चपरासी लगे वाला बने हाँ लगे वाला रहली लेकिन तुम्हारा अब्बा टपक पड़ना कल से हुए यहाँ चपरासी गिरी करी है बाबू दिनेश कुमार तू यहाँ क्लब में अरे काबल भैया ई देवदास के रूप कहे धरे वा बेचारे के मेरारू के याद तावत बा का भाई भागल का अरे तो के बोले के तमिस नहीं खे नहीं हल गई बा अच्छा अच्छा समझ गए ले उहे बात का बाबुल मोरा नहीं हल दिनेश के खायल पियल अधिया गेल बा लगता कि बहू के याद ढेर सता रहल बा बहू का याद नाही उ दोनों जने में खटपट हो गई बा खटपट हो गई हाँ उ का है अरे दिनेश अपन तनखा लिया के हमरा हाथे पे रख देना और दुल्हन देख लेने बस ओही दिन से उन लोगन में खटपट शुरू हो गई बा तुलसी ए ब्याहे का नतीजा तो हम जानत रहे यही से अमीरे घर के लड़की के अपने घर का बहू बनाव बदे हम ना तैयार रहने खैर अब तो जहर पी यही के पड़ी दिनेश से कह दिया कि उनका के वही रास्ता पर चले के चाहे जो ना मैं बहु खुश रहे नहीं तो रोजे
हवा में झगड़ा का चिंगारी उड़ल करी। अरे दिनेश का भौजी, अरे दिनेश का भौजी, का करत अरु? आवा बैठा। तरकारी कातर बारू का? हाँ हो, का करी? भाटा का चोखा बनाईले बनी, तनी कड़ू का तेल देबू का? हाँ हाँ। है ले। लावा। अरे एक कंगन नया बनवालू है का बहिन? अरे तोरे जीजा जी कलकत्ता से लिया ले बड़ा। लेकिन पहले तो कबहू न देख ली। अरे भैया आजकल चोर ले बड़ा डर लागे ला, कबू का बार पहने ली। अरे अरे तू नहीं नहीं ना हो। हाय हाय यही समय राम अवध देवर तो का देख ली है, गधिया में उठा ली है। अरे गृहस्थी में तो खेचत आनी लगले रहला। तू हो एगो कंगन बनवा लेना ऐसा। इतना सुंदर कंगन पहने बदे सुंदर भाग चाहिए। हमार इतना सुंदर भाग कहाँ बहिन? अरे तोरे भागी के का भाई, आप दिनेश भी कमाए लागेल बा। जोन दिन दिनेश बबुआ से कही बू वही दिन दो दो जोड़ी कंगन आ जाई। तू दिनेश के बता देलू कि हम अलग रहल चाहता नहीं। वो अपना भैया भाजी के बहुत चाहेला, उनका मन में से बात निकलने में थोड़ा समय लागी। वैसे हम अपन नाटक शुरू कर दिले बानी। अरे जिया बेटी जिया। और सुना, जैसे ही कप्तान साहब नाना बनने वाले होखे वैसे ही तू हमके खबर भिजवा दिया। हम अपना नाती पे वो पांच का साया ना पड़े देहल चाहता नहीं। मन्नो, ए मन्नो। जी डैडी। अरे भाई तुम्हारा जेठ जी आल बड़ा, तुम्हारा के विदा करावे। मरकटिया में हमारा के मिल गए ना मोटरसाइकिल पर ले ली बिठा के साली। अरे अभी तो दुई महीना भइल, बिचारी के अइले कैसन भागत चल अइले विदा करावे। और लेसन, जो कुछ देना हो लड़की को वो मसालची के बाजार भेज के मंगा ले। कल सुबह 8 बजे विदाई है साले। के हो तू? पुजारी। के कर? देवी के। कहाँ रहेलन? देवी के मन में। वो कौन देवी है जो तोहरे जैसन आदमी की अपने मन में जगह दीले बाने? उनकर गोर गोर रंग है, बड़ बड़ आँख है। रहेदा नागिन का ढेर मत संवारा, बल निकल जेला के बाद एकर जहर कम हो जाए। और आज हम मदहोश होकर चाहता नहीं। सुना? हमारा हाथ खजवाता का देता रहा? देव, जब तो हमारा बच्चा का माई बन जाए। ना, हम इतना जल्दी माई नहीं खे बने बच्चा। ऐसन बात भूल के भी मत करियो, नहीं तो भौजी का सपना टूट जाए। सुना, एक आध महीने में रिजल्ट निकले के चाहिए, नहीं तो हमार बड़ी बदनामी होई। अरे हेलो, पानी कुल्ला कहला। बस कैसा तबीयत था? एक पिसर का बार हो गई दीदी, लागत तक करे करे जा बाहर आ जाए। ना दिले करे जाना, अब तो करे जा का टुकड़ा बाहर आई। हाथ पांव छटकर छोटा सा नन्हा सा, ए भगवान आज कई दिन हम कितना बरिश से जोत रही। चल चल दिले कष्ट के लिए धन निवेदन रामोद। अरे दिनेश का भैया सुना तानी का हो, इतने घबराल का है बड़ू? अरे हम घबराए लेखे, एको खुशखबरी बा,
हमार दिले महतारी बने वाली भैया मन करता के तार मुंह चूम ले अरे बुआ देखा था उतर हम रखे काहे सुना सुनावा लोग लेकर भेले के बाद नटनी नचावल हाँ हम आज रहती है के नटनी नचाई अरे नचावा जरूरत पे तो हम अपन कमर हिला दे सैया भये कोतवाल अब डर काहे का Ha ha ha!
सारे के या गिलारे के ना बस हमारा के सलामी मारा क्विक 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 अरे क्विक हे भगवान अटेंशन बहुत अच्छा ऑल राइट अब बैंड के पर्दा हटा के सुनो हम नाना बने वाला यस हम नाना और तुम नानी बनने वाले एक काम करा कोनो बहाना बना के मनु के हिया ले आवा हम चाहता नहीं कि बच्चा एजा पैदा होके बच्चा यहाँ पैदा हो हाँ वाई काहे अरे वो बाज नहीं के राम अवध का बीवी हम अपना नाती के ओकरे परछाई से दूर रखे के चाहता नहीं जब वो सुन ले हुई कि मनोरमा के बच्चा होवे के बाद तो चर कर राख हो गई हुई दुल्हन अब कैसन बा दर्द कम बा दीदी थोड़ा और दबा दा तुलसी अरे तुलसी का हो बहन का करत रहलो अरे दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं थी तनी होकर कपार दबावत रही केहू से सेवा लेवे के तोरे भाग में ना लिखल बा अच्छा दिनेश आइल के ना अरे आ गईली भौजी आ गईली बोला का हुकम बा कलकत्ता से चिट्ठी आइल बा वही का पढ़ावे कर रहल अच्छा अरे ये का है बहु खातिर लियाल बाड़ा का ना आपन भौजी खातिर तनी देखो देखी अरे वाह कंगन कैसन बा धन्ना भौजी बहुत निमन बा भौजी तनी पहना था अरे इकन उम्र है हमार कंगन पहनने का ल हम इतना अरमान से कंगन बनवा के ले आयल बानी और तू कहता रो की उम्र कंगन पहनने का ना बा पहना अरे बउआ हम कहता नहीं पहना पहना अरे भौजी अरे बउआ का करे तरे अरे पहना ना पहना पहना ना बउआ अरे बाप रे बड़ा जिद्दी है तू ई ई ओहो अच्छा बाबा पहने तनी भौजी आज भेल हमरे मन के बात अरे तुमसे हाथ बच के रही हो राम अवध बउआ जरूर टकर रही है आई आई रउआ आई का बात हो आज बड़ा शानदार स्वागत हो रहा बा आज पहली तारीख है तनखा तो मिलन हुई का लियल बानी हमरे खातिर बात यह कि पैसे ना रहल पैसा ना रहल जेब कट गई का अरे जेब ना कटल अब भौजी खातिर कंगन बनवैले हैं अच्छा ऐसे पूजनीय भौजी के आगे मेहरारू के ख्याल ना आए आज कंगन बनवौला ह कल हार बनी फिर काने के बाली और झुमका ओकरे बाद नाके की नथनी ये सब पहना के नुमाइश में बैठे बा या भौजी से मुजरा नचवेबा मनोरमा भौजी के बारे में ऐसे शब्द बोला तारू शर्म नहीं खावत अरे शर्म तो के आवे के चाहिए साल भर नौकरी करत हो गई लेकिन आज तक हमरे खातिर एक कांच के चूड़ियों तक ना ले आई लो अरे हम तोरा खातिर कांच के ना सोने का चूड़ी ले आए हम ते पहाड़ा मत पढ़ावा मिस्टर दिनेश अरे जब तो के भौजी से फुर्सत मिली तब ना तो हमरे बारे में सोचबा देवर भौजी का प्यार हम देख ले बानी लेकिन ऐसा ना एक कर वजह हम समझता नहीं
का समझता रू? बोला का समझता रू? बोला भावरा वही जे मनराला जहां रस होके घर में आई थे हम के जोने बात के शक रहल वो विश्वास में बदल गए तोहर तोहरी भौजी से गलत संबंध बा मनोरमा तो वो मरी और बेटा ने गलत संबंध बोला 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 तब वो गलत संबंध बोला खबरदार जब दोबारा हाथ उठा लेता समझ ला हमू मेहरारू ना ही जे चुप रह अरे हम जाने लेके तू कौन मेहरारू हो नागिन के तो दांत में जहर होला तोरा तो पोर पोर में जहर भरल बा देवर भौजी के पवित्र रिश्ता पर कीचड़ उछलने से पहले तो हर जबान का है ना कट गई हट जा हमारे आंखें के सामने से काहे हटी हम कोनो तोहर रखे नहीं ब्याह के लेल बड़ ए घर पे हमें अधिकार बा अधिकार के बच्ची तोरा के घर में रहे के बाद तब भौजी से माफी मांगे के पड़ी हम मर जाए लेकिन माफी ना मांगा ना मांगू तब तू घर में ना रह निकल निकल यहां से निकल 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 जा दुल्हन के पेटे में लग गया कहीं छाप उठाओ लग गए तो हमारे तो दुनिया उजड़ जाएगी रहेगा ऐसा नाटक हम स्कूल में ढेर गए बने अपन हाथ गंदा मत करा भौजी कप्तान साहब के ना कौनो कंगाल भिकारी के खून बा ईर्ष्या डा के जेर जगत मुड़त बा हमारे पवित्र रिश्ता पर कीचड़ उछले बा भौजी एक माफी मांग ही के पड़ी नहीं तो घर में ना रह सके हाँ हाँ हम तो खुद ही नरक में ना रह जाते नहीं हम के अबे एही बगत डैडी के पास भेज दा बहु ए बखत कोनो सवारी ना मिली काल बहन सहरे तो के विदा कर दे उंडा के ही मजाल कि कप्तान की बेटी पर हाथ उठाओ ले हम वो करा के कोर्ट मार्शल करब साली अच्छा अच्छा कही दिया लेकिन अभिन तो चुप रहा मन्नो का मदर तुमरा को दाल भात में मुसर चंद बनने का बड़ा डर्टी आदत है हम आज तक अपना पीठ पर धूल नहीं लगने दिया और वो हमारे बेटी के पीठ का ऐसा सॉलिड पूजा किया जैसा धोबी अपना गधा के पीठ का सॉलिड पूजा करता है कप्तान साहब तनी हमरो तो सुनी अब सुने सुनावे का काबा मनोरमा जिद पकड़ ले बा कि अब वो तोरे घर में तब्बे गोड़ रखी जब तू दिनेश के अलग कही दे बा चली मान लेने की बहू जिद पकड़ ले बा लेकिन रउआ लोगन का विचार बा हमार विचार ओसे अलग कैसे हो सकेला तुहार मेहरारू भले ही देवी हो लेकिन है तो औरत और जहाँ दो औरत रही है वहाँ खटपट तो हो बेकरी ऐसे अच्छा तो यही है बा कि तू दिनेश के अलग कही दा आंख फूटल दरद गई तो ठीक बा हम घरे जाके सलाह कर लेता नहीं प्रणाम अरे वारे हमरी स्वीट हार्ट यू आर ग्रेट अरे क्या कुल्हाड़ी चलाया है लकड़ियों कट गए और अवजियो ना मैल साले बस अब देखा छह महीना के भीतर दिनेश घर जमाई बन के यहाँ रोटी ना तोड़े लगल तब कहिया बिरा तड़पावत हो याद जब आवत हो मेहरारू नैहर में हो मर्द सर खजवावत हो ऐसन 1000 बीमारी के एक रामबाण दवा बेटा दिनेश पीला 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 भैया सब दम भुला जावे पीला 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 अरे पीला भैया अरे भैया पीला कप्तान साहब ओ मिस्टर गुड हां भगवान की दया से हमरा बेटी मनोरमा को भी कप्तान मुबारक हो आप कभी भी खूब बाबा हुआ वो डार्लिंग हाउ स्वीट ये लो अपना साले ने नाम थैंक यू थैंक गॉड अरे दिनेश का भैया सुना डार्लिंग का हो सुन ला का बात है बड़ा हाँ फताड़ू अरे अस्पताल में हाँ? कप्तान साहब से और पंडित जी से भेंट हो गई है दुल्हन के बिटवा भैल बनो अरे अरे एकदम बड़ी खुशी का बात है पता नहीं ककरा पर गैल होगी मनोरमा के कि दिनेश के चाहे जकरा पर गैल होके
लेकिन खूबसूरत जरूर होई। भगवान पंख न देना, नहीं तो उड़ के मुन्ना के देखे होती। सुझली रही सगरे गाँव में मिठाई बांटो, 15 दिन तक ढोलक पर गीत गवाई, मगर सगरे अरमान मन ही में रह गई। मिला
अरे दिनेश का भइल का भइल रे तोहर तबियत तो ठीक बा दिनेश तू शराब पी के अले हा हमरा से कुछ कह लू का हाँ हाँ हम तोरा से पूछे तानी तू शराब पी के अले हा अरे हम पूछे तानी तू शराब पी के अले हा जवाब कहे नहीं के दे हमार यार तो सब पियत रहले हम तो निको सब पी ली तो ग्रास आसमान टूट पड़ा आसमान टूट पड़ा ये तो हमरा के जवाब देता रे अरे तू तो यार लोग चोरी डकैती करी है दूसरे का बहन बिटिया तक के है तो ऐसे ही कर बे आज तो हमरा ममता का हमरा विश्वास का हमरा प्यार का खून पी के आज तो शराब नहीं के पियले आज तो शराब नहीं के पियले इन्हें हम तरह के पाले पोसे में कौन गलती के लिए बुआ हे भगवान हे तू हमरा कौने पाप कर सजा दे तारा हमसे बहुत बड़ भूल हो गई हम तुम्हें विश्वास का ठेस पहुंचा है भौजी हमके और मारो हमके और मारो भौजी और मारो दीदी हमार बहुआ हमार बच्चा भौजी आजकल हमार दिमाग ठीक ना रहेला मनोरमा के भुलावे खातिर थोड़ी किस बहुआ देखा जब घोड़ी में कांटा गड़ जाए तो घर की सुई से निकाल दिया जाला गोड़ काट के ना फेंकल जाला बहुआ तू नहीं खे जाना ये शराब ऐसे बुरी चीज है जो लोगन का घर द्वार सब बर्बाद कर देले लोगन का जिंदगी बर्बाद कर देले बहुआ हाँ के माफ कर दे भाई माफ कर दे भाई चल के खाने खा ले रहुआ यहाँ कब से खड़ा बनी इस नाटक के शुरुआत से हमरे दिनेश का हालत तो उस सांप जैसन हो गई बा जो भुला के छछुन्नर पकड़ लेला न हमके छोड़ सकत बा और न मनोरमा के भुला सकत बा अब तो एकर कोनो न कोनो रास्ता निकल ही के पड़े नरगुल पागंदे चिल्लर कैचा अब मनो मनो के मदर अरे कहा भाई लुक ये शैतान हमरा पीछे पड़ गई बा 20 साल पहले जैसे हम तोरा पीछे पड़ गल दानी देख इस शैतान के आज दिन में 3 बार हमार कपड़ा खराब कैले सर सोली अरे तरह से कपड़ा गीला बड़े भाग से होला कप्तान साहेब ओ रामावत बाबू आवा बहू तनी मुन्ना का मुंह तो देखोले जा हमार नजर उकरा के ना लगी ऐसा कोनो बात नहीं की बच्चा के दूध पियावे का समय हो गई बा जा मुन्ना के दूध पिया दा रउआ लोगन मुन्ना के भैला का खबर तक ना भेज ली जब हमनी का रिश्ता एक तरह से टूट चुकल बा तो का खबर भेजौती पति पत्नी का संबंध अटूट होला लाठी मरला से पानी अलग थोड़े होला हम बहू के विदा करावेल बानी ये तो बड़ा खुशी का बात बा लेकिन पिछली बार जोन बात कहले रहनी ओके हमरा के राउर कुल बात मंजूर बा घर का बंटवारा हो जाए ना भैया ना ही ना हो सकेला घर छोड़े के बाद तू कैसे सोच ले हम जानत आनी भैया के ये याद के लगा ले
मनोरमा के वापस मैं के भेज दा। दिनेश, दिनेश सुना, हमनी का तो आधा से ढेर जिंदगी बीती गई बा, बाकी का जिंदगी भी कोनो न कोनो तरीके से बीती जाए। बाकी तोहार तो जिंदगी अब शुरू हो रहा बा, और फिर तोरा साथ है तोहार मेहरारू लड़का सबरी के उबाए। हमरा से ज्यादा तोरा के ही घर का जरूरत हो, और फिर हम कहां इतना दूर जाता नहीं। मंदिर की शोभा तो देवी देवता से होला, ये है ना रही है तो मंदिर मंदिर ना मसान घाट बन जाए भैया। भौजी तू वो भैया के समझावा, कहे तू लोग हमरा से मुंह फेरत आ रहा, हमार का गलती बा भौजी, का गलती बा भौजी। ना बाबा कोनो गलती नहीं की तुहार, लेकिन तुहार भैया जन करे तारा वो ठीक ही करे तारा दिनेश, यही में हमरा परिवार का भलाई बा, जी ना छोट करी के। राम चले बन प्राण न जाई के सुख। अरे सुना तानी, दिनेश और राम अवध में अलगे बिलगा हो गई बा। अरे ये तो हो गई के रहल, कल युग में दिनेश जैसन भाई ना हो सकेला। बाहरे तिरिया चरतर आपन रंग तो दिखाई है दिहलस। मुन्ना के डैडी, ओ मुन्ना के डैडी, कहा है? वाह वाह वाह, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब बोलो क्या करी? इमे पाव भर नमक मिला के आधा तू पी लो, आधा हमके पिया दो। देखा हमरी बात का सीधा सीधा जवाब दिल करा। हाँ तोहार मम्मी जब बंटवारा करे का सलाह देले रहनी, तभी ना बताएगी कि जब आटा लपसी हो जाए तो ओकर रोटी कैसे बनेला। जौने दिन से हम एजा आयल बानी उहे दिन से तू कौनो न कौनो बहाने हमार मम्मी के कोसत रहना, और फिर क्यों पेट से सिक्के ना आवेला, दस पाँच रोज तू ही आटा सान देवा तो तुहार हाथ न घिस जाये। जौना दिन हमार हाथ घिस जाये वो दिन तू कौड़ी कौड़ी के महंग हो जाये। बस बस चुप भी रहा की फूटल लगा रहा की तरह टिमटिमात रहा। दिन भर ऑफिस में माथा फोड़ी, सुबह शाम तो के रोटी बना के खियाई, ये कुल हमरा से ना हुई। एक रोटी बना थोके तो बनावा, नहीं तो उठा के फेंक दो। इतेवर के करा के दिखावा तर तुहार यही इच्छा बाना तो। हे भगवान, ई दुर्जन की लड़ाई झगड़ा में मुन्ना के का हाल हुई। बेचारा मुन्ना,
एक कैसन लाचारी बा, हमरे आंखे के सामने हमार घर जर था, और हम पानी के छींटो न मार सकी ले। हाँ, ला। अरे दू जगह काहे करत आनी, हमने की बहुत खा पी ले लहीं जा, कुल दूध दुल्हन के दे दे। हाँ हाँ, एला ले जा, ले जा। दुल्हन लगे तो मुन्ना के सर्दी हो गई बा, रात के बड़ा खांसत रहे, सुत के उठी तनी हमरा के दिया बैठ जी के दिखा लिया। तू कब तक करत रहबू दीदी, गृहस्थी तो उन्हीं के सम्हारे के बा, वो ले जाके दिखा दिए डॉक्टर के, तो के सोच ले के कोनो जरूरत नहीं के। मन भर गई ना, कितना बेरी तोरा से कहली कि जब वो ना चाहे ले कि ओकरे लेगा के तू खिलावा कुदावा गोदी में बैठावा, तो तू काहे के अब का कहने दिनेश के भैया, हम अपना मन के बहुत दबाई ला, लेकिन मन ना माने, अब जाने लाना तू तो देख ले ही हुआ कि मुन्ना एकदम दिनेश के पड़ल बा, वैसे ही आंख, वैसे ही नाक, वैसे ही गोरा गोरा रंग, और हसबो वैसे ही करेला। मन्नो मन्नो, अरे ऑफिस जाए का समय हो गल बा, नाश्ता तो दे दे। तनी मुन्ना की पकड़ा। हाय वा 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 वा। का नाश्ता बना ले बाड़ू, कल की बासी रोटी पड़ल बा और आलू गोभी के तरकारी बने ले बानी। एक हफ्ता से बासी रोटी खिलावत बाड़ू, अस्पताल भेजे कह रहा था बा का। ताजा रोटी खाए का इतना ही शौक बा, तो तनी तू मदद कर जल करा, सवेरे के समय नहाई खाना बनावल बच्चा खिलावल सब एक साथ अकेले कैसे हो सकेला। अकेले रहे के आनंद उठावे के बाद तो अकेले ही सब कुछ करे के पड़ी, चाहे रोक कर करा चाहे गा कर, समझ लू। नाश्ता कर जाओ। लो मुन्ना नाश्ता करे तो भाई लो। हाँ का भाई, ये आलू गोभी के ना नमक का तरकारी बना ले बाड़ू। तनी नमक ज्यादा हो गेल बा और का। अरे तनी के ना आलू गोभी दोनों से ज्यादा बा, परसों राती के रोटी जर गेल रहल, काल भात कच्चा हो गेल रहल, आज नाश्ता के ही हाल बा, बर्दाश्त कइला के भी हद होला। ओहो तनी नमक तेज हो गेल तो कौन घी के गगरे उलट गई, आदमी का हाथ है कम बेसी तो हो जाला। मनोरमा तो आपन गलती कब्बो ना मन लो। अरे दस बज गेल भाई, हम घरे जाता नहीं। ओ दिनेश, अरे लाज चुस्की है भाई, खत्म करके मोल चलता नहीं। जाए दे यार, ओकर बीवी कप्तान का बेटी हो, खटिया खड़ी कर दी। अरे मन्नो मन्नो, इतना जल्दी सूत गेलू का? आधी रात हो गई तो के जल्दी लागत। अरे अभी तो 10:30 बज जाता। एकर मतलब बा कि तू ऑफिस से बहुत जल्दी आ गेल बा? ना ना, हमारा मतलब ही ना है, तो खाना खा ले लो। तो कब तक तुहार रात देखती? अच्छा कह लो। इकंदन इकंदन तम भौजी के दिले रहे, वो लौटा दे लिंका। इतना बड़ दिल ना बा तोरे भौजी के, कई बार मंगली ही तब जाके दी ले। ये तो बहुत गलत कहलू मनोरमा, कंगन तो तोके लौटावे के पड़ी। हम मर जाए लेकिन ये कंगन ना लौटाए, सॉरी। कंगन तो तोके लौटावे के पड़ी। ना उतारम ना उतारम। कंगन तो तोके लौटावे के पड़ी, उतारम। तू मर जान ले रही। कंगन तो तोके लौटावे के पड़ी। का करे तेरे, काहे मारे तेरे दुल्हन के? ये कंगन हम थोड़े खाते बनाव ले, और ये काहे मंगस? अरे बाबा, ये ना मांगा तब वो हम ओकरा के देवे वाला रहे। चौका छुआई हम कुछ नहीं खजाना, ये कंगन तो हार है और तू ही पहन दो, चलो तारो। हम तो चलो तारो, पागल हो गए हुआ का, चल जा भरी यहाँ से,
क्या भरे कंगन हम तोरे खाते बना ले और ई काहे मंगस। अरे बाबा ई ना मांगा तब वो हम ओकरा के देवे वाला रहे। क्यों कछु आई हम कुछ नहीं खजाना। ई कंगन तोहार है और तू ही पहन लो। चल बता हम को पागल हो गए। एकरे बिना हम की नींद ना आई।